खबर इंदौर से है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 19 लाख रुपए की एमटी ड्रग बरामद की गई। तो चंदन नगर इलाके से तस्कर राजा खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 19 लाख रुपए की एमटी ड्रग्स बरामद की है। चंदन नगर इलाके से तस्कर राजा खान गिरफ्तार हुए। आरोपी से 38 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई। अन्य राज्यों से इंदौर पर हो रही थी एमडी ड्रग सप्लाई। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गांजा तस्कर राजा खान गिरफ्तार हुआ और करीब 19 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी से 38 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किए गए। अन्य राज्यों से इंदौर में एमडी ड्रग सप्लाई हो रही थी। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंदौर से भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से करीब 19 लाख रुपए की एमटी ड्रग्स बरामद की गई। कब से ये तस्करी जारी थी और क्या इसके साथ और भी किसी के शामिल होने की संभावना है? देखिए, ऑपरेशन प्रहार को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस भी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। और खासतौर पर बात की जाए नशीले पदार्थों को लेकर के जिस तरह की इनपुट पुलिस के पास मिल रहे हैं उसी तरह की कार्रवाई भी पुलिस तुरंत करती नजर आ रही है। और ऐसे ही पुलिस को मिली जानकारी मिली थी कि चंदनगर इलाके में रहने वाला एक राजा खान नाम का एक युवक है जिसके पास बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग जो है वो उसकी सप्लाई कर रहा है, उसकी तस्करी कर रहा है, यहाँ की नई युवा पीढ़ियों को वो उपलब्ध कराता है। और इसी को लेकर के पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें जिस इलाके में कार्रवाई हुई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब पुलिस को फटकार लगाई थी और उसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड पे नजर आ रही है। तो इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और तकरीबन 38 ग्राम जो है वो एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत की अगर बात कर ली जाए तो 19 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज किन राज्यों से आ रही थी, इनके पीछे का नेटवर्क क्या है, ये तमाम बिंदु है पुलिस की जांच के। हालांकि अभी मीडिया से इन चीजों को साझा नहीं किया गया, लेकिन ये साफ है कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद में कई बड़े इनपुट जो है वो सामने आ सकते हैं कि जिस तरह का भोपाल कांड हुआ था और भोपाल में भी इस तरह की एमडी ड्रग को बनाया जा रहा था, सच्ची की एक ड्रग है, इसी तरह का इनपुट सामने आएगा कि अन्य को इस तरह की फैक्ट्रियां तो नहीं चल रही है, कोई केमिकल ड्रग कहां से उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको लेकर के अब क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में जुटी। तो इंदौर क्राइम ब्रांच की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई है जिसको लेकर के 19 लाख रुपए की एमडी ड्रग जो है बरामद की है। चले, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारत।